नमस्कार साथियों, इस वीडियो में लेके आए हम टॉप 10 राजभाषा के प्रश्न। और राजभाषा का आप जानते हैं बहुत बड़ा महत्व है, 10% पेपर का हिस्सा है राजभाषा। और हम लेके आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन राजभाषा के, तो चलिए अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो मैं ये बता दूं, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें एक विदेशी भाषा जोड़ी गई है, नेपाली, वो एकमात्र विदेशी भाषा है नेपाली। तो ये टोटल 22 भाषाएँ हैं आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, टोटल 22 भाषाएँ हैं, ध्यान में रखिएगा, उनमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो जो मूल राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन यहाँ आधिकारिक भाषा के रूप में पूछा गया है, तो आधिकारिक भाषा आपके अंग्रेजी आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता श्री रेल मंत्री जी करते हैं, अपने श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं वर्तमान में रेल मंत्री जी, सम्मान्य आदरणीय श्री अश्विनी जी वैष्णव रेल मंत्री जी हैं, तो वो रेल मंत्री इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय हिंदी समितियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये माननीय आदरणीय सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी करते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की क्षेत्रीय भाषाओं में निम्न में से कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? तो आपको मैं ये बता दूं, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, कोंकणी ये भाषा 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी, तो ये भाषा तो है। मैथिली ये आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत 2004 में जोड़ी गई थी, तो ये दोनों भाषाएं हैं। मिजो भाषा है जो 22 भाषाओं में नहीं है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मिजो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय था उच्च न्यायालयों में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 348 में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अंग्रेजी का यूज किया जाएगा, अंग्रेजी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 में हुई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर थे, तो ऑप्शन आपका बी। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? तो कर्नाटक आपके सी क्षेत्र में आता है, सी का मतलब गय क्षेत्र में आता है, कर्नाटक गय में आता है, क्योंकि ए के अंतर्गत 11 राज्य आते हैं और बी के अंतर्गत 6 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश सहित, तो वो आपके क और ख में कर्नाटक नहीं है, क्योंकि क की हम बात करें तो क के आप जानते ही हैं दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी एमपी है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो बिहार है, ये सब आपके कै में आते हैं, और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन दीप ये ख में आते हैं, तो कर्नाटक आपके गय में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, सिक्किम की भी अंग्रेजी है और नागालैंड की भी अंग्रेजी है, ध्यान में रखिएगा साथियों। संविधान में राजभाषा के संबंध में अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है, जो अध्याय 17 है या जो भाग 17 है, अध्याय 17 भाग 17, उसमें राजभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर। तो थैंक यू वेरी मच, ये थे राजभाषा के टॉप 10%। धन्यवाद साथियों, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके राजभाषा का, ऐसे ही हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे, और पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अगर इस तरह से आप चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद साथियों।